बच्चे को मंजा दे देती हूँ, मैं खुद जमीन पे लेटती हूँ। बच्चे तो पढ़ाई करवानी है, चाहे सरकारी में ही करवाए, क्योंकि पढ़ाई आजकल ना बहुत मायने रख रही है, क्योंकि मैं तो अनपढ़ हूँ, अंगूठा छाप बिल्कुल, कुछ भी करके मेहनत तो करेंगे, इसमें ना बचत होगी, किसी के झाड़ू पोछा करेंगे, कुछ भी करें, बर्तन धुलें, कर लेंगे। सत श्री अकाल, नमस्कार आदाब, मैं थोड़े नाल मनप्रीत खुल्लर ते तुसी देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी। साड़ी हमेशा कोशिश रहिंदी है कि तुहाडे तक ओह लोकां दी जिहड़ी स्टोरी है पहुँचाई जाए, जिहड़े बहुत ही ज़्यादा असीं कह सकदे हां कि गरीबी दी मार चल रहे ने, लेकिन मेहनत करके खाण दे विच विश्वास करदे ने। सो अज इक मैं चाह दे ठेले ते हैगी हां, इस लेडी नूं मैं देखिया चाह बणाउंदिआं, ते घर दे विच जेकर मैं दसां ते सौण दे लई बैड भी नहीं हैगे, ते पति नौकरी करता है एक छोटी जी, जिस तो बाद इन्हां दे घर दा गुजारा हुंदा है, ते ये खुद जिहड़ी आ चाह बेचदे ने सवेर तो लैके शाम तक। सो की नाम है जी तुहाडा? रेखावती। सो किन्ने बजे आ जांदे हो इत्थे सवेरे चाह बनाउण लई? 8 बजे। अच्छा, ते इन्नी महंगाई है, चाह पत्ती इन्नी महंगी है, तुसी किस तरह? हाँ, कुछ बची नहीं रहा, पर का करे, बेचना तो है। ते बचदा हैगा कुछ पूरे दिन दी मेहनत? जे ठंड आएंगी तो थोड़ा बहुत निकल आता है, और गर्मी में बिल्कुल कुछ रहा, बहुत कर्जा हो गया। जिथे तुसी ये लाने हो स्टॉल, इथे पता लोकां नूं, लोक आउंदे ने तुहाडे कोल चाह पीण दे लई? हां, कभी कभी आ जाते हैं। ते जिस दिन नहीं आउंदे, फिर उस दिन किस तरह तुसी गुजारा करदे हो पूरे दिन दा? ऐसे ले लेते हैं दुकान पे सुधार। अच्छा, हाँ। ते तुहाडे घर विच कौन कौन है? 2 बच्चे हैं और पति है, मैं हूँ। ते बच्चे की करदे ने? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सरकारी स्कूल में। ते थानू मैं भी दस दिनी आ कि हिम्मत देखो इस लेडी दी, कि बच्चों फिर भी पढ़ने लाया, क्योंकि अजकल जिस तरह असीं हालात देख रहे हैं कि सड़कां ते बच्चे मंगदे ने ताकि वह अपने दिन नू सफल बना पाउण, कुछ कर पाउण, पर पढ़न दे विच विश्वास नहीं रखते। लेकिन इस औरत ने अपने बच्चों नू स्कूल दे विच भी पाया, तो पति भी जो है मेहनत करके घर का गुजारा करता है। तो जेकर इन्हां दे घर दे हालातों की मैं गल करा, जरूर जानना चाहवांगे कि तुसीं इत्थे रहिंदे हो ते किराए ते रहिंदे हो, घर दे विच किस तरह का माहौल है, मैं जानना चाहूँगी कि की हैगा घर दे विच, क्योंकि अजकल तो जिन्नियां चीज़ां होण वरतन दे लई उन्नियां थोड़ियां ने। सो तुहाडे कोल की कुछ घर दे विच हैगा, क्योंकि जिस तरह से गल कर रहे सी, आप जमीन पे सोते हो, आपने बताया, हमारे घर में बेड भी नहीं है। जमीन पे लेटती हूं, हां, बच्चन को मंजा दे देती हूं, मैं खुद जमीन पे लेटती हूं। ओके, सो कितने कमरे है घर में? एक ही है। एक ही कमरे में रसोई है, एक ही कमरे में मंदिर है, उसमें स्लैब पर आ उस पर खाना बना लेते हैं और नीचे लेट जाते हैं। रसोई वाला घर लिया नहीं, क्योंकि वो 5,000 का पड़ रहा था, इसलिए। तो किराया कितना घर का? 5,000 पर जाते मैं बिल से, बत्ती के बिल आता है, 5,000 हो जाता है पूरे। अच्छा, बत्ती का बिल अलग आता है और किराया अलग? 4,000 कमरा का किराया, 1,000 बिल आ जाता है। अब ये पता नहीं क्यों मकान मालिक 1,000 रुपये ले रहे हैं, मगर इतना बिल है नहीं, वैसे बिल कमी है, मगर का पता यहाँ चलता ही है भैया, चंडीगढ़ है ना, इसका शहर बड़ा है तो जाता ही होगा। कि तुसी पिछो कितों, कहां से बिलोंग करते हो आप, कहां से हो? मैं, हम बरेली से। तो यहां पे आके क्यों काम शुरू किया? वहां पे जो है ना कमाई अच्छी नहीं थी, तो सोचा था कि परदेश में कमाएंगे अच्छा होगा, तो इसलिए आए थे। तो इधर ही आना क्यों सही लगा आपको, चंडीगढ़ मोहाली में? यहां पे ये है ना, नौकरी में पैसे सही मिल जाते हैं, वहां बरेली में कोई छोटा मोटा काम करो तो 5,000 रुपये मिलते थे, यहाँ 10,000 मिल जाते, तो ये है। मगर ये नहीं सोचा था कि कमरा का किराया भी उसी में जाएगा, ये महंगा पड़ेगा, तो इसलिए आए थे, आ गए तो आ गए। सो चाय जो बनाते हो, कौन से फ्लेवर्स बनाते हो यहाँ पे? अदरक वाली बनाते हो, इलायची वाली बनाते हो? अदरक वाली भी बनाते हैं, इलायची भी डाल देते हैं, और काना कोई कॉफी मांगने आता है कॉफी भी बना देते हैं। अच्छा, कॉफी भी बना देते हो। मुझे ये बताओ कि कभी रुक के किसी ने बात करने की कोशिश करी आपके साथ, किसी ने मदद करने की कोशिश करी? कोई भी ऐसा बंदा ही नहीं आया, 1.5-2 साल हो गई मेरे पास, तो कोई बंदा ही नहीं आया कि मैं इसकी मदद करूं, कोई भी ऐसा नहीं है। तो दिन त्योहार जो होते हैं, दिन त्योहारों में भी आप इधर ही होते हो? हाँ, मैं त्योहार पर भी इधर होती हूँ, मेरी कोई मदद नहीं करी किसी ने भी, है कि ये नहीं कहा कि इसे मतलब थोड़ी बहुत मदद भी करूँ, कभी को किसी ने नहीं मदद करी। सो कभी कोई आपके सामने, इतनी गाड़ियाँ लगी हैं, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पे, कभी किसी ने रुक के चाय पी है आपके साथ? न, गाड़ियों वाले ने चाय भी पी है, पराठे भी खाए हैं, मगर तारीफ करिए कि अच्छा है, पराठा भी अच्छा है, चाय भी अच्छी है, मगर ये किसी ने कही कि 10 रुपये फालतू दे दे, ये कोई बंदा यहाँ पर ऐसा नहीं है, सब कंजूस है। तो
तो यहाँ से जब चले जाते हो आप, उसके बाद और भी कोई काम करते हो अपना घर चलाने के लिए या सिर्फ यही काम? मैं यही करती हूँ, मेरा घर वाला एक दो घंटा का कहीं सफाई करता है तो वो करते हैं, और मैं तो फिर घर पे ही इतने खन को जाके फिर घर पे खाना बनाना और कपड़े उपड़े धुलना बच्चों के, फिर लेटने का टाइम हो जाता है फिर बस। बच्चे कितने बड़े हैं? बच्चे एक है, लड़का है 11 साल का, लड़की 13 साल की। तो बाकी परिवार कहाँ पे है? मेरे मम्मी पापा हैं नहीं, सास ससुर खत्म हो गए, जेठ जिठानी से किसका रिश्ता चलता है वो बरेली में ही। अच्छा, तो आप यहाँ पे आ गए कमाने के लिए? मैं कमाने के लिए आ गए क्योंकि जेठ जिठानी अपने कर रहे हैं और हम अपना कर रहे हैं बस, उनसे कौन किसका होता कोई मतलब ही ना, इसलिए बस। सो जो तुसी इत्थे आए सीगे, जब आप यहाँ पे आए थे शादी के बाद आए थे कि शादी के पहले आए थे? अभी आए मैं, 2 साल हुई आए बस। सो तुसी देख रहे हो कि एक तरह नाल असीं कह सकदे आ कि मेहनत करके कमाउण दे विच विश्वास रखदी इह लेडी, इहनां दे हसबैंड उह वी कमाउंदे ने, घर दा गुजारा करदे ने, घर दे विच भावें बेशक सौण दे लई बैड वी नहीं हैगा, एक ही कमरे दे विच चार जी रहिंदे ने। सो आगे के बड़े बच्चे बच्चे जो है बड़े हो रहे हैं, उनकी डिमांडें बढ़ेंगी, क्या आप और भी ज्यादा मेहनत करोगे क्योंकि उनको भी आगे काम लगाओगे, या उनको क्या सपना है कि बच्चे आगे बड़े होके क्या करें? सोच तो रहा है कि बच्चा पढ़ाई कर ले तो सोचते हैं कोई अच्छी नौकरी लड़का को मिल जाएगी तो गुजर हो जाएगी, और जब तक बड़े नहीं हो रहे तब लोग अपनी मेहनत कर ही रहे हैं, फिर तो कुछ भी करके मेहनत तो करेंगे, इसमें ना बचत होगी, किसी के झाड़ू पोछा करेंगे, कुछ भी करें, बर्तन धो लें, कर लेंगे। बच्चे तो पढ़ाई करवानी है चाहे सरकारी में ही करवाएं, क्योंकि पढ़ाई आजकल ना बहुत मायने रख रही है, क्योंकि मैं तो अनपढ़ हूँ, अंगूठा छाप बिल्कुल, तो मैं ही अंगूठा छाप ना होती तो कहीं भी नौकरी मिल जाती, अगर पढ़ी लिखी होती तो थोड़ी बहुत, अब पढ़ी भी तो बिल्कुल ना, मेरे बाबा बहुत गरीब थे ना इसलिए पढ़ा नहीं पाए। तो काम जिवें कहिंदे ने ना कोई भी छोटा वड्डा नहीं हुंदा, तो यह काम करके अपने घर का गुजारा करते हैं, सल्यूट है जो लेडीज़ नूं, बहुत सारिया लेडीज़ दे लई ये मोटिवेशन भी असीं कह सकते हैं, क्योंकि लोग जिहड़े ने अजकल शॉर्टकट अपनाउंदे ने, हार्डवर्क नहीं करना जानते, स्मार्ट वर्क करके अगे वधदे ने, पर इहो जे लोग हुंदे ने जिहड़े जमीनी पद्धर ते मेहनत करके अगे वधदे ने, और उहो जे लोगों नूं भी सुनेहा दिंदे ने जिहड़े मंगन दे विच विश्वास रखदे ने, ते मेहनत करके कमाउण दे विच विश्वास रखदे परिवार इहनां नूं जरूर सपोर्ट करनी बनती है, इसलिए असीं इस तरह दीआं स्टोरीज़ तुहाडे सामने लैके आउंदे हां, क्योंकि अजकल जिस तरह हर कोई डिमांडिंग हो रहा है, हर किसी दी डिमांड्स वध रहियां ने, पर इहो जे ग्राउंड लैवल ते जदों असीं उतरदे हां, लोकां नूं देखदे हां, लोकां नूं मिलदे हां, तां पता लगदा कि एक्चुअल विच जिंदगी कहिंदे किहनूं ने। सो इस तरह की हिम्मत नूं सलाम है। हुण फिलहाल मैनूं दिओ इजाजत, कैमरामैन अनिल दे नाल मनप्रीत खुल्लर, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़।